अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, आज हमने जो कल रुकू पढ़ा था उसी का ही क्या हिस्सा आज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा की लाला हम, और जब उनसे कहा जाता है आमिनों के तुम ईमान लाओ, कमा आमन नासु जिस तरह के ईमान लाए लोग, कालू तो वो कहते हैं अनुमिनु कि क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सूफा आओ जिस तरह से के बेवकूफ़ ईमान लाए, अल्लाह खबरदार इन्ना हम बेशक हम वही सुफहाओ बेवकूफ़ हैं, बेशक वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन ला यालमून वो नहीं जानते। ये उनकी मुनाफिकीन की ये निशानी है कि वो मुसलमानों को बेवकूफ़ होने का ताना देते थे। ये भी उनकी एक निशानी है कि वो कहते थे कि मुसलमान बेवकूफ़ हैं, कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को वो बेवकूफ़ कहते थे, कि वो कहते थे कि मुसलमान पर इतने ज़ुल्म व सितम हो रहे हैं, इस तरह उनके साथ सलूक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हटने के लिए तैयार नहीं है, ये बेवकूफ़ है, इनको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता, वो इस वजह से उनको बेवकूफ़ होने का ताना देते थे। हालाँकि वो इस बात से बेखबर हैं कि वही अहमक हैं, वही बेवकूफ़ हैं, और वो इस बात को समझते ही नहीं हैं। इससे बड़ी जहालत क्या होगी कि उनको इस चीज़ का शऊर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं इस चीज़ को कि बेवकूफ़ तो सबसे बड़े हम हैं, वो तो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो समझदार हैं जिनको हम बेवकूफ़ होने का ताना दे रहे हैं। वाइज़ा लकुल्ला जीना, और जब वो मिलते हैं हम लोगों से आमन जो ईमान लाए, और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं कारू तो वो कहते हैं आमना कि हम ईमान लाए, और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं कि हम ईमान लाए। वाइज़ा खलो, और जब वो खलवत में होते हैं, अलहदगी में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, इला शयातीनिम शैतानों के पास, और जब वो अलहदगी में खलवत में तन्हाई में शैतानों के पास होते हैं कालू तो वो कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना मा बेशक नानु हम तो मुस्तहज़िऊन उनसे मजाक करते थे। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब शैतानों के पास अलहदगी में तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं कि बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ यानी मुसलमानों के साथ हम महज मजाक करते थे। अब मुसलमानों का मजाक उड़ाना और उनको बेवकूफ़ बनाना उनकी सातवीं निशानी थी। मुनाफिकीन की आदत थी कि वो जब मुसलमानों के पास जाते थे तो उन्हें पूरा यकीन दिलाते थे कि हम हर लिहाज से तुम्हारे साथ हैं और हमारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कि वो उनकी आदत थी कि जिधर वो अपने मुफादात देखते उधर का ही हो लेते। जब मुसलमानों के पास उन्हें कोई फ़ायदा नज़र आता तो उनके पास चले जाते हैं और उन्हें अपनी हमदर्दी का ताब उनका यकीन दिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब देखते कि काफरों का पल्ला भारी है, उधर हालात अच्छे देखते, अपने हक में साजगार देखते, तो वो अपने शैतानों को यानी जो उनको यकीन दिलाते जो उनके सरदार थे उन्हें कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ हम महज मजाक कर रहे थे और उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, हकीकत में हम हमारी हमदर्दियाँ तुम्हारे यानी कुफार के ही साथ हैं। अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है, वाजमुद्दुहुम और उनको ढील देता है, फी तुगयानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून जिसमें वो अंधे हो रहे हैं। अल्लाह ताला जब इसके बरक्स अल्लाह ताला जो है वो तो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ताला उनका मजाक उड़ाता है इसी के जवाब में, और उनको उनकी सरकशी में ढील दे देता है, उनकी सरकशी में अल्लाह ताला उनको ढील देता है, और अल्लाह ताला उनका मजाक उड़ाता है कि जो कुछ वो करते हैं कि तुम किन बातों में पड़े हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी हरकत क्या हैं। उलाई का यही वो लोग हैं, यानी इसमें जो है मुनाफिकीन मोमिनीन के साथ हंसी मजाक करते थे और अल्लाह ताला को इनकी ये हरकत पसंद नहीं थी, तो के ऐसे मोमिन थे वो जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है, यानी वो इतने पक्के और सच्चे मुसलमान थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अच्छे वो पैरोकार थे कि उनकी उनके बारे में गलत बयानी या उनकी उनका मजाक उड़ाना या उनको बेवकूफ़ बनाना, उनकी तौहीन जो है वो हरगिज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने खुद ही ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला तो खुद मुनाफिकीन से मजाक कर रहे हैं, गोया इन हमाकतों की वजह से, इन बेवकूफ़ियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब मुकर्रर कर दिया और उनके दिलों का चैन और उनका सुकून और आराम जो है वो उनसे
छीन लिया, ये इंतहाई परेशान है। और अल्लाह ताला उनकी सरकशी में उनको ढील इसीलिए देता है ताकि वो देखे कि वो क्या करते हैं आगे। यही वो लोग हैं कि उलाइक लज़ीन, यही वो लोग हैं अश्तरू, जिन्होंने ख़रीद लिया ज़रारा था गुमराही को बेलूदा हिदायत के बदले में। यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद लिया। फमा राबिहती जा रहा तो हम बस ना नफ़ा बख्शे उनकी तिजारत, वमा कानु मोहतदीन, और ना ही वो हिदायत याफ्ता थे, यानी ना ही उनकी तिजारत उनको नफ़ा दे सकी और ना ही वो हिदायत याफ्ता थे। तिजारत उनकी यही जो वो करते थे मुसलमानों के साथ और काफरों के साथ, इसी चीज़ को कुरान पाक में तिजारत से तशबीह दी गई है कि जो वो तिजारत करते थे कि मुसलमानों के पास जाकर कुछ कहते और काफरों के पास कुछ कहते, चंद रुपयों की खातिर वो अपनी हमदर्दियाँ फ़ौरन बदल लेते, तो ये उनकी तिजारत थी। और इस तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा नहीं देना था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तो चंद दिन के लिए मोहलत है, यानी ये चंद दिन के लिए मोहलत दी जा रही है कि और ढील दी जा रही है उन लोगों को, उन मुनाफिकीन को, उन सरकश लोगों को। ये खुद ही देख लेंगे कि उनकी ये जो गलत किस्म की हरकत हैं, उनकी जो दोहरी पॉलिसी है कि, और उनकी आँखों पर इस बारे में पर्दा पड़ा हुआ है और ये अपनी सरकशी में लगे हुए हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये हमारे लिए फ़ायदे वाली तिजारत नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है। और उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने जलालत, जलालत कहते हैं गुमराही को, यानी जिन्होंने जलालत को, गुमराही को ख़रीद लिया हिदायत के बदले में। मुनाफिकीन की इंतहाई बदबख्ती और बदकिस्मती थी कि उन्होंने ईमान और हिदायत जैसी कीमती नेमत को छोड़कर जलालत और गुमराही जैसी, नफाक जैसी घटिया चीज़ें ख़रीद लें। यानी ऐसी नेमत को छोड़कर उन्होंने ऐसी गुमराही वाली चीज़ें ख़रीदीं, ये तो बड़े खसारे और नुकसान का सौदा है। यानी उन्होंने खुद ही अपने लिए नुकसान का सामान पैदा किया है। उनकी तिजारत ने उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई फ़ायदा देगी। ये एक हिदायत है कि जो जिससे उन्हें फ़ायदा देना था, लेकिन वो उस हिदायत से महरूम हो गए और उस घाटे में पड़ गए कि जो उनके लिए दुनिया में भी नुकसानदेह है, घाटे का सौदा है, और आखिरत में भी। मासलु हम, उनकी मिसाल का मासल ऐसी है, इस तो कादा नारा के जैसे आग जलाई किसी शख्स ने, फलम माजात, पस रोशन हो गया माहौल हो उसका आसपास, यानी इससे उसका आसपास यानी माहौल रोशन हो गया, जहबल्ला बस छीन लिया अल्लाह ताला ने बिनूरियम उनके नूर को, उनकी रोशनी को, व तारा का हम, अल्लाह ताला ने उनसे नूर को, रोशनी को छीन लिया, व तारा का हम, और उनको छोड़ दिया, फिर जुलुमातिन जुल्मतों में, तारीखियों में छोड़ दिया, ला युबसिरून वो नहीं देखते, सुमन बुकमन वो गूंगे हैं, सुमन वो बहरे हैं, बुकमन वो गूंगे हैं, उमयन वो अंधे हैं, फाहम पस वो लाज अर्जुन नहीं पलटेंगे, यानी नहीं लौटेंगे। तो इसमें मुनाफिकीन के दो गिरोह की मिसालें दी गई हैं कि मदीना में इस वक्त दो किस्म के मुनाफिक का बात थे। एक तो सिरे से इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, जिनके दिल में ईमान सिरे से ही मौजूद नहीं था, और दूसरा गिरोह ऐसा था जो कि तजब्जब का शिकार था, शक का शिकार था, और इस्लाम की जब वो, यानी शक में वही लोग थे जो कि इस्लाम की कुव्वत देखते थे उनकी तरफ आवले थे, और जब वो काफरों को कामयाब होता देखते तो उनके साथ हो लेते, फिर मुसलमान से पीछे हट जाते। अब मिसाल, इनकी मिसाल कुरान पाक बयान करता है कि हिदायत की आग जो है वो उन्होंने पहले गिरोह की मिसाल जो है कि अल्लाह ताला के एक बंदे ने, जिससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हिदायत की आग रोशन की, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया और इस्लाम की रोशनी चारों तरफ फैल गई। लेकिन इस गिरोह ने इस माहौल से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। फिर आगे जाकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनका नूर बसीरत छीन लिया, यानी उनकी जो बिनाई थी वो भी छीन ली। इससे मुराद ये कि वो खुद इस नूर बसीरत से महरूम हो गए और वो माहौल जो था तारीकियों में बदल गया, यानी जो थोड़ी सी रोशनी थी वो तारीकियों में बदल गई, अब उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई, उनकी नूर बसारत जो है वो छीन ली और उनको अंधेरों में भटक। सबर करो भी, बस सबर करो भी 5 मिनट। और अल्लाह ताला ने उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया,
बस अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक नहीं दी कि वो राह रास्त तरफ आते, तो वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये लोग हक की बात सुनने से कासिर हैं। आगे देखिए, अवका सीबिन या मिसाल या बारिश समाई आसमान से, या फिर आसमान से बारिश, फी इसमें जुलुमातुन अंधेरा है, तारीखी वरादुन और कड़क है, बर्क और बिजली है, या जरूना वो डाल लेते हैं, असाबी हम अपनी उंगलियां, फी अजानी अपने कानों में, मिनस सवाए की हाजर अल मौत, कड़क के खौफ से और मौत के खौफ से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेती हैं, वल्लाह और अल्लाह ताला मुहीतुन अहाता किए हुए बिल काफिरिन काफरों का, और अल्लाह ताला काफरों का अहाता किए हुए काफरों को घेरे हुए हैं। तो इसमें इस आयत में बारिश यानी अंधेरे, बादल की कड़क और बिजली की रोशनी और सफ़र करने वाला शख्स, बारिश से मुराद इस्लाम है, अंधेरों और बादल कड़क से मुराद वो मसाइब और मुश्किलात हैं जिन्होंने चारों तरफ से इस्लाम को घेर रखा था, बिजली की रोशनी से मुराद वो फतूहात हैं जो उन हालात में इस्लाम को हासिल हुई, जिस तरह की बारिश यानी वो फतूहात थी जो कि मुसलमानों को हासिल हुई। लेकिन ये मुनाफिकीन जो थे, चूँकि मुसलमानों का को मुश्किल में उनका साथ छोड़ देते थे और उनका साथ छोड़कर दूसरी तरफ हो लेते थे, तो लिहाजा उनकी सज़ा के तौर पर उनका अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई भी ख़त्म कर दी और बिजली कड़क और गरज ऐसे ही उन पर मुसल्लत हुई कि उसके खौफ से वो अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लेते थे और शदीद ज़ोर से अपने कानों में ठूंसते थे, तो फिर भी जो है वो उनको सुकून नहीं मिलता था, ऐसा था जैसे उनको शिद्दत की तकलीफ़ हो रही है, और फिर अगर इस्लाम को कोई कामयाबी होती तो फिर देखते फौरन, ये वो लोग हैं जो कि इस्लाम की कामयाबी के टाइम उधर पलट जाते थे, और जब मसाइब का सामना करना होता था मुसलमानों को तो फौरन काफिरों की तरफ पलट जाते थे, और ये खौफ के डर से, अपने मौत के खौफ से और अपनी बारिश और शदीद बिजली और कड़क की वजह से अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते थे कि शायद हम इससे बच जाएं, लेकिन वो इससे बचने वाले नहीं थे। यकादुल बर्कु करीब है कि बिजली यख्तफू और छीन ले अबसार हम उनकी बिनाई को, करीब है कि बिजली उनकी जितनी ज़ोर से बिजली कड़कती थी और चमकती थी, करीब है कि वो उनकी बिनाई को छीन ले, कुल्लमा अज़ालहुम जब कभी उन पर रोशनी होती मशहूर तो वह चल लेते फी इसमें, जब कभी उन पर रोशनी होती तो वो इसमें चल लेते, वाइज़ा अजलमा और जब तारीकी छा जाती अलहम उन पर, और जब उन पर तारीकी छा जाती कामू तो वो ठहर जाते, वलो शाह अल्लाह और अगर अल्लाह ताला चाहता लजहबा तो छीन लेता बिसामी ये उनकी समात को, वापसारम और वापसारियम और उनकी बसारत को, उनकी बिनाई को, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनकी कुव्वत समात को और उनकी बिनाई को छीन लेता। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मुनाफिक जो हैं वो इस वजह से परेशानी का और हैरत का शिकार हैं कि वो कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे कि भई हम बिजली से हम बच जाएं, कड़क से बच जाएं, वरना हमारे कान फट जाएंगे, लेकिन कानों में उंगलियां देना उनको अजाब इलाही से नहीं बचा सकता, और करीब है कि बिजली उनकी आँखें छीन ले, क्योंकि इतनी ज़ोर से चमकती थी कि ऐसा पॉसिबल था कि उनकी बिनाई ख़त्म हो जाए। जब बिजली उनके लिए चमकती है तो उसी में थोड़ी सी रोशनी होती है, उसमें वो दो चार कदम चल लेते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, चलन फिर उसके बाद तारीकी छा जाती है, तो जब तारीकी छा जाती है फिर वो हैरान खड़े हो जाते हैं कि कहीं गिर ना पड़े। तो ये कैफियत उन मुनाफिकीन के लिए है जो कि शकूक व शुबहात का शिकार थे, यानी जो शक का शिकार थे कि हम किधर की राह अख्तियार करें, मुसलमानों की तरफ जाने की राह अख्तियार करें या काफिरों की तरफ जाने की राह अख्तियार करें। तो जब उन्हें माले गनीमत और फतूहात इस्लामी की उम्मीद नज़र आती थी कि मुसलमान कामयाब होने वाले हैं, तो फौरन मुसलमानों के साथ आ जाते थे, उनके लश्कर में आके शामिल हो जाते थे। किस लिए शामिल होते थे? ताकि हम माले गनीमत में हिस्सादार बन जाए, क्योंकि लालची थे, और जब जहाद में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता, मुसलमानों को थोड़ा नाकामी का उनको आसार नजर आते, तो फिर फौरन इस्लाम से बदल जाते, फिर वो दूसरे लश्कर में, काफरों के लश्कर में शामिल हो जाते। अल्लाह ताला की तरफ से उनको मोहलत दी गई है कि वो अपने आप को में तब्दीली लें, वो देख लें कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, अपने आप को अपने आप में यानी ये वो फैसला कर लें, तमीज़ पैदा कर लें कि हमने किस कौन सी राह अख्तियार करनी है जो हमारे फ़ायदे में है।
लिहाजा वो इस बात से आ रही थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ना ही उन्होंने ऐसा किया, और लिहाजा अगर वो ऐसा ना नहीं करते थे तो अल्लाह ताला जो है उनको, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का की वही सुनाई कि तुम्हारी समात और बिसारत अल्लाह ताला छीन लेगा। और ये जो मोहलत उन्हें दी गई ये एक थोड़े से टाइम के लिए है, और इसको वो हमेशा के लिए ना समझें, इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, वो कादिर है, मुतलिक है, कोई चीज़ उसके दायरा अख्तियार से बाहर नहीं है, वो हर चीज़ को जानता है और हर चीज़ पर कादिर है, यानी अख्तियार रखता है, वो हर चीज़ पे अख्तियार रखता है। ये दूसरा रुकू ख़त्म हो गया, तो सेकंड ईयर कल आप पहले रुकू तैयार करें, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। पहला रुकू तैयार करके उसका मुझे तर्जमा और उसकी तशरीह लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफिज़।